हे गाइस, मैं आपके सामने लेके आया हूँ अभी जो रिक्रूटमेंट है स्पेशलिस्ट काडर ऑफिसर्स की इन SBI, जो रेगुलर बेसिस पे हैं। आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और आप 8 अक्टूबर तक ये भर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली डेप्टी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है, BTech MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन बेसिकली MTech है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो एलिजिबिलिटी, आप अगर BTech MTech हैं, IT या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में, ज़रूर अप्लाई कीजिए। डेप्टी मैनेजर, मैनेजर डेटा साइंटिस्ट और डेप्टी मैनेजर सिस्टम्स ऑफिसर वो अप्लाई जरूर करें जिन्होंने ये बनना चाहते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें अगर, तो डेटा साइंटिस्ट के लिए डिप्टी मैनेजर में मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर आप डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो भी आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, स्पेसिफिक स्किल्स मांगे गए कि आपको NLP आनी चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग होना चाहिए, डेटाबेसेस होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर डेटा एनालिसिस की पोस्ट मांगी है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आप सीख भी सकते हैं, ये बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, आप सीख ही नहीं सकते। तो आप जब तक ये रिक्रूटमेंट होगी तब तक आप इन चीज़ों को सीख भी सकते हैं। तो दिल डाउन छोटा मत कीजिएगा, ज़रूर इन्हें अप्लाई करिए और इनके लिए तैयारी कीजिए अगर आप इनमें बनना चाहते हैं। तो डेप्टी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, मैनेजर डेटा साइंटिस्ट और डेप्टी मैनेजर सिस्टम्स ऑफिसर की रेगुलर पोस्ट हैं। पूरा स्केल मिलेगा आपको और सिलेक्शन प्रोसेस है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू है। और प्लेस इसकी जो पोस्टिंग की होगी वो नवी मुंबई होगी। तो अच्छी पोस्ट निकली है, डिप्टी मैनेजर में अराउंड 11 पोस्ट हैं, दूसरे में भी डेटा साइंटिस्ट के मैनेजर में भी 11 पोस्ट हैं और डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स ऑफिसर में हैं 5 पोस्ट, राइट। इसका जो पे स्केल है ये सब कुछ इस एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है, अच्छा पे स्केल है। जॉब प्रोफाइल की बात करें अगर, तो आपको मशीन बींग डेप्टी मैनेजर एंड मैनेजर डेटा साइंटिस्ट में बेसिकली AI, मशीन लर्निंग एंड NLP वगैरह आपको इम्प्लीमेंट करना है। और डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स ऑफिसर में आपको बिग डेटा का स्केल है, जो हाई हडूप वगैरह होता है, उन टेक्नोलॉजीज में आपको पता होना चाहिए या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आपके पास आ रही हैं। और की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, KRS मीनिंग की रिक्वायरमेंट जो हमारे पास होनी चाहिए वो बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्शन की हैं, मतलब डेटा स्क्रैपिंग है या उनमें कोई चीज़ मिसिंग है वो हमने कैसे लेके आनी है, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा नॉलेज, स्टैट्स का थोड़ा नॉलेज और ML को एल्गोरिथम्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे डीप लर्निंग में हमारे पास केरास है या हमारे पास बहुत सारी, अगर मैं बताऊँ टेंसर फ्लो है गूगल का, तो वो चीज़ अगर आप सीख सकें तो आप ट्राई एंड एरर कर सकते हैं, राइट गाइज। तो आप ज़रूर इन वेबसाइट्स को देखिए और चेक कीजिए कि कैसे आप ये चीज़ें इजीली सीख सकते हैं। और ये पोस्ट ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं आपको इसका लिंक अप्लाई करने का एज वेल एज़ ये एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप SBI की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ये नंबर 22 याद रखिएगा, ये नंबर 22 टाइप की जो है एडवर्टीजमेंट है। अदरवाइज और भी पोस्ट निकली हैं डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की एंड ऑल, वो मैं और वीडियोज़ में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।